तो आज है मेरा सऊदी अरब में 550वां दिन। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। और आज के इस व्लॉग में आप देखने वाले हो हम गल्फ के गरीबों के ईद का पहला दिन, ईद का दूसरा दिन, ईद का तीसरा दिन किस तरीके से गुजरता है। और गल्फ की सच्चाई यही है दोस्तों, यहाँ जॉब करने वाला हर शख्स गरीब ही है, क्योंकि हमारे रियाल की कीमत तो इंडिया आने के बाद बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जेब में 10,000 रियाल भी है तो वो यहाँ के हिसाब से बस 10,000 रियाल है, उसमें यहाँ कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, हमको सिखा रिया। लेकिन जैसे ही इन्हीं 10,000 रियाल को आप इंडिया ट्रांसफर करते हैं तो वो बन जाते हैं 2 लाख रुपए। 25 दिन में पैसा डबल। और यहाँ पे आने वाला हर शख्स पैसे कमाता नहीं, पैसे बचाता है। पैसे बचा के कोई अमीर बना है क्या? तो अभी हम आ गए हैं ईद की नमाज पढ़ने के लिए, और यहाँ पे आप ईद का माहौल देख सकते हो। यहाँ छोटे छोटे बच्चों को चॉकलेट्स बांट रहे हैं। ईद की नमाज के बाद आस पड़ोस से ईद मुबारक करके हम निकल जाते हैं हमारे रूम की तरफ। अब नासिक में तो नमाज के बाद सबसे पहले काम होता था साक्षी से मिसल पाव लेके घर पे जाना, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ मुझे सऊदी की मिसल पाव भी कह सकते हो, जिसका नाम है फूल तमीज। अब फूल तमीज जो है वो आपको पूरे सऊदी में मिल जाएगा। ये लोग इसे बड़े शौक से खाते हैं, जैसे हम नाश्ते के लिए मिसल पाव खाते, और ये आता है इनके सबसे सस्ते खानों में से एक। ये बात है तो भाई, ये है इनका फूल तमीज, और इस पे डालते हैं ये जैतून का तेल, और ये रही हमारी चाय। अब ये नाश्ता पानी करके हम जो सोया तो वो जोहर को उठा, और उसके बाद असर को, क्योंकि रमजान में जो ये लोग जो हमारा ड्यूटी शेड्यूल खराब करते हैं ये लोग, जिसकी वजह से हमारी नींद ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। और फिर आते हैं वो जिन्होंने पहाड़ों में मैगी खाई, फिर आते हैं वो लोग जिन्होंने ईद वाले दिन मैगी खाई होती है, उसका भी अपना स्वाद है। उसके बाद भाई हम पांडरा रंगाचा टी शर्ट घाल के हम निकल जाते हैं जिद्दा में दुबई देखने। और उसके लिए तो सबसे पहले हमें पकड़नी होगी एक बस, जो कि हमें ले जाती है सीधा इमार, जो है जिद्दा में बना हुआ। तुमको भी लुक गया वीडियो में, हम नहीं आने चाहते। अच्छा ले लो, सीरियल कट कर दूंगा ऊपर से, ठीक है? 30 में पूरे 30 कट कर, 150 रुपया देगा। ये जगह भी बहुत अच्छी है घूमने के लिए, लेकिन असली देसी ईद वाली दूध बाजार की वाइब आती है आपको एक ही जगह, और वो है शरफिया। अब शरफिया ये वो जगह है जहाँ आपको मिल जाते हैं इंडिया, पाक और बॉम्ब के देसी लोग और उनके वही देसी स्कैम्स। खेच के देखो ऐसे क्या खेचो, अबे खेचो यार, तुम तो ऐसे खाली ऐसे हाथ लगाया तुमने, ऐसे अब ये चले ऐसे खेच के देखो भाई। इसके अंदर आप लेके मिलाना मरवरीद मेहरा एंड बीजवाल पाउडर, ये लेते रहे पहले कभी बनाया इस्तेमाल किया आपने? तो भाई ये स्कैम के बाद जिसमें हमारा दोस्त नहीं फंसा था, हम आ जाते हैं मक्का होटल, और मक्का होटल के बाहर नंबर लगाने। यहाँ गर्दी इतनी होती है कि हमें यहाँ लेना पड़ता है कूपन। दो आदमी आओ भाई, यहाँ पे क्या हो रहा भाई, ये कहाँ फंस गया भाई मैं? एक मिनट आपका नंबर आने के बाद आपको कैसे लग रहा है तारिक भाई? बहुत बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। चलो ठीक है, ये सीन डिलीट कर देंगे हम, कट कर देने भाई। हम आ गए अभी मक्का होटल के अंदर, हमको एंट्री मिल गई, और ये देखो होटल। भाई दो लोग हैं, दो लोग ऐसे भाव दो
वो लोग बैठना है इधर, दो लोगों को बैठना है, एक इधर पर एक उधर पर, कोई मुश्किल नहीं है। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने हमारी बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने हमारी जमानत करवाई। खाने में क्या लेना है जल्दी बोलो। भाई अभी तुम इधर के रहवासी है तो तुम्हें ऑर्डर कर रहा हूँ। तुमको कुछ, तुमने कभी कुछ नहीं खाया वैसे ना? मैंने इधर कभी नहीं आया, फर्स्ट टाइम आया हूँ। ऐसी चीज ऑर्डर करूंगा ना, झींगे और मच्छी। मैं नहीं खाता। हाँ, मैं वही ऑर्डर करूंगा। झींगे मच्छी नहीं खाता भाई मैं। तीन आदमी, तीन आदमी, अपन। उसके बाद फाइनली हमारा नंबर आ जाता है। उसके बाद भाई हमारा खाना आ गया, फिर हमने खाना खाया। एक्चुअली एक पाकिस्तानी होटल है और यहाँ का खाना वाकई में बहुत अच्छा है, जिसका सबूत बाहर की भीड़ आपको चीख चीख के बता रही है। अगर आपने भी मक्का होटल में खाना खाया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि वहाँ का खाना आपको कैसा लगा। खाना बहुत जबरदस्त हुआ था। तो उसके बाद हमने लिया दो दो आइसक्रीम और इसी तरह खत्म होता है हमारा ईद का पहला दिन। अब आता है ईद का दूसरा दिन, जो कि बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इस दिन इंडिया में है ईद का पहला दिन। अब ये दिन तो हमारा पूरा एक ही काम में गुजरता है और वो काम है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ईद मुबारक। क्या चल रहे हो? नासिक मुबारक। हाँ हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। ईद मुबारक। वही बोला कॉल कर, पर सब ठीक है ना? ईद मुबारक। और आप कैसे हैं बोलते हो? ईद मुबारक। वही बोला कॉल कर, इंशाल्लाह याद रखो। ईद मुबारक। अच्छी रही तो बैठा था बस। कैसे? अस्सलाम वालेकुम। सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। अब आ जाता है ईद का तीसरा दिन, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि कबाबिश जाने। यहाँ पे ईद के तीनों दिन ऑफर लगी थी तो इसलिए हम इधर आ गए थे खाने के लिए। कबाबिश आके सबसे पहले तो मैं ले चलता हूँ आपको इनका मेन्यू दिखाने। दाल सूप, चिकन बिरयानी, वेजिटेबल राइस, चिकन मंचूरियन, चिकन जलफ्रेजी, बटर चिकन, चिकन हांडी, दाल मखनी, उपमा बूरी, कीमा फ्राई, मिक्स वेजिटेबल, हलीम, चिकन चिली ड्राई, आलू पालक, सबाना, मटन कढ़ाई, चिकन टिक्का, चिकन सीख कबाब, रेशमी कबाब यानी फिश फ्राई, ढाका फिश, चिकन नूडल्स, नान, रोटी, स्वीट राइस, खीर मलबिया, हलावा। तो भाई यहाँ पे हमने इनके बहुत सारे डिशेस ट्राई किए। कैमरा ऑन है? हाँ। आप चलिए नाश्ता पानी करिए, मैं आता हूँ। चलिए चलिए, कट कर देना ये। तो भैया ये थी हमारे परदेश की ईद की तीन सिंपल और सादे दिन, और इन सादे दिनों को स्पेशल बनाता है मेरा परदेसी यार, जिसके साथ गुजरते हमारे रोजे और रमजान। तुम्हारे सऊदी के दोस्त अल बिस्तियाक बिन महूदी बिन सऊदी, फलाना ढिमकाना जो भी, मिलो इनसे। तो आप लोगों की ईद कैसी गुजरी अपनों में और परदेश में, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करो। और अगर आप भी अपने घर से दूर ईद मना रहे हो इस परदेश में तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जाने परदेश में चाहत का तरस जाओगे।